गुड मॉर्निंग नाश्ता पढ़ा लिया यार, भूख लगी। गुड मॉर्निंग खमागड़ी सा, कैसे हो आप सब? और स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। क्या बोल रही थी, तो हमारी चाय हो गई है, चाय हमने पी ली और बेटा दूध दूध पी के नीचे गया और हम बनाने मुझे चने जो रात को मैंने उठ के भिगोए थे वो मेरे को बनाने। तो ये ड्यूटी जाओगे सुबह है? ड्यूटी ड्यूटी तो फिर इतनी जल्दी नाश्ता तो किया, भूख लग रही है, नाश्ता किया यार, अभी तो 8 बजे तो चाय पी आऊ। तो चलो हम करते हैं वो टमाटर वगैरह काटते हैं, प्याज प्याज फिर बोले प्याज व्याज टमाटर मिर्ची वो कर लेते हैं और फिर इनको नाश्ता करा के फिर आगे का काम देखेंगे। और आज संडे है तो ये इनको विजिट पे, आज मंथ एंड का संडे है ना, तो इनको वैसे ड्यूटी नहीं जाना, ऑफिस नहीं जाना, लेकिन कोई विजिट करके आएंगे। तो चलो करते हैं काम। ये बन गए चने, लो आओ मैं एक बार कुंडी लगाओ। अब 2 बजे कितने बजे पहुंचाए आपने गांव? 4:30। ये वो ऐसा मेरे व्लॉग देखते हैं। देखो ना मजा। ये गला पीछे की हुए। ये वो ऐसा रुक जाता आज तो। जानो बस। रुक जाता वाले आज तो। चल चलो गांव। है आज का गांव। आप बनाई 7 दिन रहे हो, 5-7 दिन बटे। हां जन बनाऊंगा वो लोग। और क्या रहेगा वो। मैंने बड़ा से हां जन बनाऊंगा है ना। ठीक अच्छे तरह जो खुश। हां हां पगला लगो ना तो खुश रहो। ठीक ठीक जल्दी से खाने मकान को मुंह तो पावा। ठीक है बना। ले बट हाँ सही बैठ जाओ ऐसा। ऑर्डर नहीं सही कर लो। बाय बाय। खमागणी सा, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। और जो अभी मैंने आपको व्लॉग में दिखाए वो बुआसा है, मेरे बुआर सासू जी। और बहुत अच्छा लगा वो आए, आए तो वो थोड़ी देर के लिए, शायद 12:30 बजे वो आए थे, तो थोड़ी देर रुके, चाय वाय पी, नाश्ता वास्ता किया, वो आए थे शायद 12:30 बजे आए होंगे, 12:30 बजे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरे को बोला कि है ना मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ, तो थैंक यू सो मच बुआसा।
मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सच में मेरे घर पे कोई भी आता है ना, मेरे को पर्सनली बता रही हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है। कोई भी आए चाहे तो बहुत अच्छा लगता है, वो ऐसा भी आए। और सुबह ना मैं मतलब आज नाश्ता वास्ता करके झाड़ू वगैरह करी, फिर मैं लेट हो गई थी आज नहाने धोने में, तो वंशु के पापा का कॉल आया कि वो बुआ सा आ रहे। तो मुझे एक बार तो ऐसे हो रहा था कि हाँ चलो अच्छा है वो आ रहे, लेकिन मैं कि मैं तो नहा के ही नहीं आई, लो टी शर्ट भी थी। फिर बोला कि जाओ जल्दी से नहा लो, फिर मैं जल्दी से नहा के आई और बुआ सा को बोला मैंने, मैं कि बुआ सा थोड़ा पहले बता देता तो मैं, वो क्या उनके अब 2 बजे की बस थी, तो पहले चाय वाय बनाई, फिर मैंने बोला मैं खाना बना दूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं खाना तो नहीं, और मैं कि आप सुबह बता देते तो आप आए जब तक तो मैं खाना बना के रखती। तो बोले कि वो बोले रुकने का नहीं था, वो बस लेट थी तो इस वजह से वो मिलना भी हो गया और आ गए। और मैंने तो बोला मैं कि आ जाया करो आया करो, मैं कि अच्छा लगता है। और मैंने उनको मतलब उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि वो ऐसा आज रुक जाओ, तो वही बात यार कि इतने दिनों से मतलब पीयर में आते हैं, काफ़ी टाइम से आते हैं, इनको आना नहीं होता। मैंने भी इनको शादी के बाद अब भी देखा है, और नेचर बहुत अच्छा है इनका, जो दादी सा है उनका सबका नेचर अच्छा है। तो मैंने अब भी देखा था इनको, तो मैंने फिर मैंने इन्हें क्या ज़्यादा वो भी नहीं करी मैं कि यार अगला ऐसे थोड़ा मतलब रुके भी नहीं, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी यार ये अपन को बोल रहे हैं जबरदस्ती। तो फिर मैं भी ऐसे समझ गई मैं कि चलो यार ये थोड़े दिन ही गाँव में रुकेंगे तो कोई बात नहीं, और रुकते तो अच्छा लगता, और चलो आके गए वो भी बहुत अच्छा लगा। तो चलो बस अभी खाना वाना खाया नहीं था, और सुबह नाश्ता किया तो भूख भी नहीं है। और अब वंशु के पापा भी वो बुआसा को छोड़ने गए, इधर शॉप तक गए, प्लॉट भी दिखा देंगे उनको, तो बोले चलो आ जाओ। तो चलो गाइस, और मैं क्या यहाँ बैठी थी तो मेरा मन कर रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों किसी के सामने थोड़ा सा हो जाता है। और फिर क्या वंशु भी फ़ोन लेके ऊपर चला गया था, फिर मैंने अभी थोड़ा सा तो मैंने बना ही लिया, लेकिन नहीं बुआसा को भी तो थोड़ा ब्लॉग में ले ले। और उनको क्या किसी को तो अच्छा नहीं लगता कि हाँ ऐसे व्लॉग में आना, और इनको तो अच्छा लगता है, ये ऐसे करते भी नहीं है तो भी ऐसे अच्छा रहता है। तो चलो गाइज मिलते हैं आपसे शाम को, जब तक के लिए बाय बाय। मैं सेक रही हूँ यहाँ पे मूंगफली, ये खा रहे मूंगफली, इधर ये मूंगफली खा रहा है, फोन देख रहा है, और मैं तो खा चुकी हूँ आधी, तब से बैठ बैठ दिखा रही हूँ। तो मेरी कौन बनाता तो क्या लेके फिर रहा है ये है? क्या करेगा इसका? और तेरे को सर्दी नहीं लग रही? नो आ जा इधर, आ जा टेडी हुकुम के पास चले, इधर क्या करेगा तो मिट्टी भरेगा क्या इसमें? तेरे को मैं बताऊं, रुक जा। वो मैं कुछ दीदी का तक ले गया चूड़ी चाड़ी, बस वो वीडियो का चक्कर में तो नीचे झुक रहा है, वो नीचे वीडियो चक्कर में झुक रहा है, वीडियो का चक्कर में ही झुक रहा है। अरे वंशु कटाया अपना है, वो चूड़ियों को छोकर दे मेरे को, 10 चूड़ियों को टूटे नहीं बनी, अब आगे चूड़ी पूछा दे वंशु तो मैं आवाज जब बना ले फिर बना दूंगी। सुनी लेना एक बारी में? हाँ एक बार में लेना। छुट्टी दी नहीं, वो चने खा लिए थे और फिर वो बुआ सा आ गए तो उनको तो नाश्ता करा दिया, उनको भी बन जाता। बुआ सा के बनाती ना तो हमारे भी बन जाता। हाँ
फिर इतनी भूख नहीं थी, इन्होंने भी नहीं बोला, वंशु ने भी नहीं बोला। वंशु ने भी लड्डू और वो चने वगैरह खा लिए थे। फिर मैंने मेरे को लगी थोड़ी सी भूख, जब मैंने मूंगफली सेक ली तो तीनों ने मूंगफली खा ली और अब लग रही है भूख। तो मैं फटाक से जाके पहले रोटी बनाऊंगी बेटा, मेरे को तो लग रही है। मन सुबह लग रही है भूख, तो लग रही है हम दोनों को तो लग रही है। और इसको अरे सिंपी ने एड्रेस भेज दो रे यार, पहले जाके बैठी है बाइक पे। है टाइम, टाइम तो देखा ही नहीं।